पांच उंगली में जो हमारा तत्व है, पांच उंगलियों के जोर से कुछ मुद्राएं बनाते हैं और उसका क्या लाभ मिलता है, बहुत सारी बीमारियों को हम लोग उससे ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, प्रिवेंशन और डिजीज। हम जो बीमार पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। वो पांच तत्व कौन सा है, कौन बताएंगे आप में से? कोई एक बोले करे हाँ। चित जल पावक गगन समीरा। चलिए बहुत बढ़िया, के लिए ताली बजाते। तो पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये इस पांच तत्वों में कोई भी तत्व या तो बढ़ जाता है या घट जाता है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। सिंपल सा चीज है। अब ये चित जल पावक आपको समझ में यदि नहीं आया होगा, हम बहुत ही आसानी से जो आप समझ जाएंगे वो समझाते हैं। ये हमारा हाथ है, इसमें पांच उंगली है। पांच उंगली में सबसे नीचे वाला जो उंगली है, ये लिटिल फिंगर, ये उंगली जो है वाटर। हमारे वायुमंडल में सबसे नीचे क्या है, धरती के नीचे पानी। ये पानी का द्योतक, यानी पानी का प्रतीक। इसके ऊपर वाला जो उंगली है, तो क्या है वायुमंडल में पानी के ऊपर, क्या आ रहा है, जमीन है। तो धरती पृथ्वी तक का द्योतक ये वाला उंगली है, रिंग फिंगर। उसके ऊपर मिडल में, धरती के ऊपर में क्या है, खुला हुआ तो आकाश है, तो ये वाला आकाश तत्व है। और उसके ऊपर वाला जो है आकाश में क्या घूमता है, हवा। तो ये वायु तत्व का द्योतक है। और ये सबसे ऊपर वायुमंडल में क्या है, सूर्य है, अग्नि है। सूर्य जो है अग्नि का द्योतक है। तो ये अंगूठा उंगली जो है ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये पांच उंगली में ही आपका पांच तत्व का बैलेंस करने का शक्ति है। जब हम बीमार हैं या कोई चीज की कमी है हमारे शरीर में, मान लीजिए गर्मी का समय और गर्मी में क्या जरूरत होती है, पानी की। प्यास बहुत लगती है, पानी पसीने चाहते हैं, तो पानी की खपत शरीर से ज्यादा होती है, हमें ज्यादा पानी चाहिए। और पानी यदि कम हो जाए शरीर में तो वहां सारी प्रॉब्लम भी होती है, बीमारी भी होती है। जितनी स्किन डिजीज है वो वाटर की कमी से ही होता है। तो यदि हम अपना अंगूठे को, यानी कि अग्नि तत्व को, थंब को और लिटिल फिंगर को, दोनों के सिरे को, दोनों के टिप को जब एक दूसरे से मिलाते हैं, दोनों के सिरों को, तो ये इंद्र मुद्रा, बाकी तीनों उंगली से भी, तो ये इंद्र मुद्रा बनता है और इससे पानी की कमी पूरी होती है। तो पानी की कमी से जो भी बीमारी होगा वो सब ठीक हो जाएगा, समझ लें। मान लीजिए हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ गया तो क्या होता है, गैस होता है, गैस बन जाता है ना। तो ये वाला उंगली जो है वायु तत्व का द्योतक है और इसको जब हम मोड़ के अंगूठे से दबाते हैं तो ये वायु मुद्रा बनता है। तो ये हमें जो वायु दोष है, प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई तत्व को बढ़ाना हो, हम अंगूठे और उस उंगली के टिप को मिलाते हैं तो वो तत्व बढ़ने लग जाता है, और जहां तक बढ़ने की जरूरत है वहां तक बढ़ता है, फिर रुक जाता है। और दूसरा है कि यदि कोई उसी तत्व को हमको घटाना है, मान लीजिए पानी के तत्व, पानी का लेवल शरीर में बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, ये उंगली को मोड़ करके उसके ऊपर से अंगूठे को दबाएंगे, इस तरह से। सब लोग समझ रहे हैं? तो वो तत्व हमारे शरीर में घटने। एक और है, यदि हम ये अंगूठे को मान लीजिए किसी उंगली के गद्दी में मिलाएंगे, नीचे मिलाएंगे, तो इससे जो मुद्रा बनता है, इससे वो तत्व हमेशा बढ़ते रहता है। तो इसलिए ज्यादातर जो मुद्रा आप देखेंगे वो अंगूठे के साथ उंगलियों के टिप को मिलाने से बनती है या मोड़ने से उस तत्व को घटाती है। ये दो तरह का आपको अधिकतर मिलेगा। अब आइए, मुद्रा का विज्ञान आया कहां से? बहुत हजारों साल पहले से हमारे देश में ऋषि मुनि लोग मुद्रा का उपयोग करते थे।
भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्ञान मुद्रा विश्व मुद्रा में दिया, आप लोगों ने देखा होगा। माँ सरस्वती की तस्वीर देखेंगे तो उसमें भी ये मुद्रा लगा रहता है। ऋषि मुनि को भी देखेंगे तो वो ज्ञान मुद्रा में अधिकतर आपको नजर आएंगे, मुद्रा लगा के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। तो मुद्रा का उपयोग और मुद्रा की जानकारी तो हजारों साल से था, लेकिन सैकड़ों साल जो हमारा देश गुलाम रहा उस समय में हमारे देश से ये सारी विद्याएं सब विलुप्त धीरे धीरे होने लगी। ओशो धारा में हमारे सदगुरु त्रिवेदी जो हैं, उन्होंने इस मुद्रा के विज्ञान को फिर से उठा, फिर से डिस्कवर किया, आम जन तक पहुंचाने के। अब मान लीजिए योग बहुत आज के डेट में पॉपुलर है, आप सुनते हैं योगासन आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन क्या एक आदमी यदि बिस्तर पे लेटा हो, बीमार हो, तो वो योगासन कर आसन करेगा, कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बिस्तर पे बीमार हैं फिर भी मुद्रा लगा सकते हैं, लेटे लेटे, तो ये करना बहुत आसान है। दूसरा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तीसरा, हार्ट अटैक आता, हार्ट का प्रॉब्लम भी आज के डेट में कॉमन है, महामारी की तरह फैलना एक तरह से। तो हार्ट का प्रॉब्लम यदि आपके घर में किसी को होता है, और अधिकतर आपको हार्ट अटैक जो देखने के लिए मिलता है वो सुबह के समय में, सुबह 3-4 बजे 5 बजे के आसपास होता है। घर में सभी लोग सोए रहते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी सोए रहते हैं, उस समय में आता है। और अधिकतर जो मिसहैपनिंग होता है, अधिकतर जो डेथ होता है हार्ट अटैक में, वो समय में इलाज नहीं शुरू होने की वजह से। तो एक मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा, उस मुद्रा को लगाते हैं, उसको कहते हैं अपान वायु। ये वायु मुद्रा है और इसके साथ दो उंगली को रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के साथ थंब को जब जोड़ते हैं तो ये मृत संजीवनी मुद्रा। आप सब लोग लगाइए, क्या करेंगे, तर्जनी उंगली को इंडेक्स फिंगर को मोड़ेंगे और अंगूठे से पेश करेंगे, साथ में रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को आप अंगूठे के साथ। ये आपको ही पता नहीं होना चाहिए, जितने भी हार्ट डिजीज है, जितने भी इमरजेंसी केसेस है, उसमें जब हार्ट का अटैक आएगा खुद से इस मुद्रा को नहीं लगा पाएंगे। आपके घर में पता होना चाहिए दूसरे को जो आपको लगा है उस समय, तो अपने घर में भी जाके इस नंद संजीवनी मुद्रा के बारे में आप जरूर बताएंगे। तो उस समय में ये मुद्रा यदि आप हार्ट अटैक के समय में लगाएंगे तो रामबाण का काम करेगा, आपको हॉस्पिटल से ही सलामत पहुंचा देगा और आपके समय पे ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ये कम बड़ी बात है क्या? इंस्टेंट ये रिलीफ देता है, तो बहुत चमत्कारी परिणाम है बहुत सारे मुद्राओं का। तो चलिए मैं कुछ मुद्रा के बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो मेरा सबसे मुझे जो मुद्रा के बारे में पता जब से चला 4-5 साल पहले और जब मैंने इसको सीखा और सबसे पहले खुद के ऊपर, अभी मैं बता रहा हूँ आपका भरोसा उतना डेवलप नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ से सीख के जाएंगे तब आपका 100% भरोसा होगा जब आप किसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और आपको फायदा होगा। ऐसे तो उषोधारा में 3 दिन का मुद्रा चिकित्सा का प्रोग्राम होता है, ये हमारा मूलधर में और पूरे देश में होते रहता है, या पांडे जी यदि चाहेंगे तो कभी यहाँ भी हो सकता है मुद्रा चिकित्सा का प्रोग्राम। तो 3 दिन का यदि प्रोग्राम करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएंगे, उनको भी हेल्प मिलेगा। और आज तो मुझे समय नहीं है इसी पे पूरा बात करने का, लेकिन मुख्य 10-15 मुद्रा मैं आपको अभी बताऊंगा, साथ में एक सलाह दूंगा। एक मुद्रा चिकित्सा हम लोगों का बुक आता है 150 रुपए का, तो वो बुक बहुत अच्छा है, आप उस बुक को अपने घर में रखिए, उससे क्या होगा, अभी मैं तो 10 मुद्रा बताऊंगा, हो सकता है एक ऐसा बीमारी आपके सामने आ जाए या एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसका आपको याद ना होता, आप उस बुक में बीमारियों का नाम लिखा हुआ उसका क्या मुद्रा होगा वो भी लिखा हुआ, या मुद्रा लिखा हुआ है उसका बीमारी कौन कौन सा बीमारी में फायदा वो लिखा हुआ। आप जब बीमार पड़ते हैं एक बार किसी डॉक्टर